डिजीज कई बार अनफॉर्चुनेटली कोई सिम्टम भी नहीं क्रिएट करता है, क्योंकि सिम्टम डिपेंड करेगा कि वो बॉडी लंग के किस हिस्से में है. अगर वो किसी पेरिफेरल पार्ट में छोटा सा गांठ के फॉर्म में है तो जरूरी नहीं है कि वो कोई सिम्टम पैदा करे. Everyone, this is Virushi and you are watching the Good Health Show, and today we are going to talk about lung cancer, and for that we have Dr. Aditi Agarwal with us. So hello ma'am, kaise aap? Hello, thank you. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आज. और आज हम बात करने वाले लंग कैंसर के बारे में, जो कि बहुत ही अवेयरनेस वाला टॉपिक है. एंड सबसे पहले जो मेरा पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि लंग कैंसर है क्या, हमारे लंग में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिससे कि लंग कैंसर हो जाता है. ओके, तो जैसे कि कैंसर क्या होता है, कैंसर का मतलब होता है कि एक अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, यानी कि कोई ऐसा ग्रोथ होती है, ऐसा सिग्नल मिलता है बॉडी को जिसमें जो सबसे छोटा यूनिट होता है सेल, वो अबनॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करने लगता है. वो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से मल्टीप्लाई करता है और एक गांठ का फॉर्म ले लेता है. जो कैंसर लंग से आएगा, यानी कि लंग के टिश्यू से आएगा, उसको हम लंग कैंसर कहते हैं. ये लंग्स यानी कि जहाँ से ब्रीदिंग होती है उससे हो सकता है, एयरवेज से हो सकता है, जिसको हम ट्रेकिया या फिर ब्रोंकाई कहते हैं. That is what lung cancer is. मैं अगर causes की बात की जाए lung cancer से related और risk की बात की जाए, तो ऐसे क्या-क्या causes हैं जिसकी वजह से lung cancer हो सकता है? Lung cancer का सबसे ज़्यादा important जो cause है वो है smoking, tobacco, hookah smoking, cigarette smoking, e-cigarettes, cigars. अगर हम अपनी OPD में 100 cases देखते हैं तो उसमें से almost 90 patients की smoking की history होती है. ये स्मोकिंग कई बार एक साल की हो सकती है, कई बार ये 15-20 साल की हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कोई कितने पैकेट्स या कितनी सिगरेट स्मोक कर रहा है. ऐसा रूल नहीं होता कि किसी ने स्मोक किया है तो उसको कैंसर होगा ही, या जिसने स्मोक नहीं किया उसको कैंसर नहीं होगा. उसके बाद ये अपनी बॉडी की प्री डिस्पोजिशन पर डिपेंड करता है कि बॉडी उन कैंसरस या अबनॉर्मल सेल्स को किस तरह से क्लियर अप करती है. जिसकी बॉडी नहीं क्लियर अप कर पाएगी उसको वो कैंसर डिवेलप हो जाएगा. नंबर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पोल्यूशन. अभी हम देखते हैं आजकल हवा कितनी प्रदूषित हो रही है, ये स्मोक की वजह से है. चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो व्हीकल्स से हो, उसकी वजह से पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉजिंग अ वेरी हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन लंग्स. हम ये देख रहे हैं कि हमारी OPD में अर्ली एज पे पेशेंट्स लंग कैंसर के साथ आ रहे हैं. नॉन स्मोकर्स ज़्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू जो पहले होता था. तो डेफिनेटली देर इज समथिंग दैट इज चेंजिंग इन आवर एनवायरनमेंट. ट्रू ट्रू मैम. एंड जैसे मैम आपने बात की कि स्मोकिंग एक मेजर फैक्टर है, और कभी कभी स्मोकिंग वो काउंट हो सकती है, चाहे एक साल पहले की हो चाहे कितने भी साल पहले की हो. सो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि लंग कैंसर की कोई एक कोई ऐसी एज है जिसको वो टारगेट करती है, या फिर किसी भी एज को जाती है? सो ऐसी कोई एज ग्रुप नहीं है, बट यूजुअली क्योंकि स्मोकिंग रिस्क फैक्टर होता है, हमें ये मोस्ट कॉमनली 40s-50s के बाद ही देखने को मिलता है. बट समटाइम्स इन OPD वी डू हैव केसेस जब बहुत यंग हो, 30s में कोई है उसको लंग कैंसर भी हुआ है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन किसी ने अगर स्मोकिंग करी है वो किस एज पे स्टार्ट करी थी, यानी कितने टाइम उसने स्मोकिंग करी, कितनी ज़्यादा उसने स्मोकिंग करी. फिर जो हवा पोल्यूटेड हुई है, हमारे एंसेस्टर्स या हमारे जो ग्रैंडफादर्स थे उनको इतनी पोल्यूटेड हवा नहीं मिली एज कम्पेयर टू जो हमें या हमारी नेक्स्ट जनरेशन को मिल रही है. तो उनके लिए कम स्मोकिंग भी एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो जाएगा. एंड मैम इससे मुझे लगता है कि अभी कुछ सालों में फिर लंग कैंसर के जो केसेस हैं वो बढ़े ही होंगे बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन. डेफिनेटली लंग कैंसर का अगर हम इंसिडेंस देखें तो वो मेल्स और फीमेल्स मिला के नंबर टू कैंसर है. अगर हम फीमेल्स देखें तो वो नंबर टू है. नंबर वन ब्रेस्ट कैंसर है फीमेल्स में जो सबसे कॉमन है. सो इंसिडेंस इसका बढ़ ही रहा है. और जैसे कि पहले समझते थे हम या पहले कहते थे कि फीमेल्स को लंग कैंसर नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फीमेल्स को भी लंग कैंसर होता है. अगर वो स्मोकिंग करती हैं तो वो भी इक्वली एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर है. ओके मैम, अगर बात करें साइंस एंड सिम्टम्स की और एक अर्ली वार्निंग साइंस, लाइक अगर हमें लंग कैंसर हो सकता है, वो जो साइंस एंड सिम्टम्स हम फेस करते हैं वो क्या क्या होते हैं? सो साइंस एंड सिम्टम्स अर्ली केसेस में इट विल बी रिलेटेड टू लंग, यानी कि खांसी हो सकती है, खांसी में खून हो सकता है, सांस में दिक्कत हो सकती है, वजन कम हो सकता है, बुखार हो सकता है, भूख कम लगना हो सकता है.
वजन कम, भूख कम और थकान, ये सारे यूजुअली एडवांस डिजीज के सिम्टम्स होते हैं। अर्ली डिजीज कई बार अनफॉर्चुनेटली कोई सिम्टम भी नहीं क्रिएट करता है, क्योंकि सिम्टम डिपेंड करेगा कि वो बॉडी लंग के किस हिस्से में है। अगर वो किसी पेरिफेरल पार्ट में छोटा सा गांठ के फॉर्म में है तो जरूरी नहीं है कि वो कोई सिम्टम पैदा करे। ओके, इससे हम ये समझ सकते हैं कि लंग के किस पार्ट में जो गांठ है, जैसे कि कैंसर हुआ है, उसी से अलग अलग साइंस सिम्टम्स हम देख पाते हैं। सो जो एयरवेज के पास होगा उससे खांसी जल्दी आएगी, लेकिन ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है। लंग के पैरेन्काइमा में यानी लंग के टिश्यू में भी अगर कोई गांठ होगी तो उससे भी खांसी भी हो सकती है, सांस में दिक्कत भी हो सकती है। व्हाट आई वांट टू से इज कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई सिम्टम नहीं है तो नहीं होगा। ओके मैम, अगर लंग कैंसर के डायग्नोसिस की बात करें तो कैसे होता है, एक बार जानना चाहेंगे? डायग्नोसिस यूजुअली हम तब बात करते हैं जब कोई पेशेंट हमारी ओपीडी में या किसी भी डॉक्टर के पास किसी सिम्टम्स के साथ आया है, तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इसमें होती है, सबसे पहले जो सस्पेक्ट करेंगे, चेस्ट एक्सरे कोई भी कराएगा अगर खांसी या सांस में दिक्कत होगी। चेस्ट एक्सरे में ज़रूरी नहीं है कि हमें छोटी गांठें पिकअप हो जाएं, बड़ी गांठ होगी वो डेफिनेटली दिखेगी, कहीं चिल्ली में पानी भरा होगा, कोई और एबनॉर्मलिटी बोन्स में होगी वो दिखेगी, लेकिन छोटी गांठें नहीं हर बार एक्सरे में दिखती हैं। अगर कोई भी खांसी परसिस्ट कर रही है, वो खांसी ठीक नहीं हो रही है, या कोई ऐसा सिम्टम है जिसकी कोई वजह नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें सीटी स्कैन आता है। पेट स्कैन हम तब करते हैं जब हमें पता है या हमें लग रहा है कि हाँ ये कैंसर होगा, और हम ये समझना चाहते हैं कि ये बॉडी में और कहाँ कहाँ हो सकता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन होते हैं। कई बार हम बलगम की जांच करते हैं ये देखने के लिए कि ये ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं, क्योंकि इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का इंसिडेंस काफ़ी हाई है। सो मेनी टाइम्स हम ओपीडी में ये भी देखते हैं कि कोई लंग में गांठ थी, खांसी हो रही थी, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स भी सिमिलर होंगे, उसमें भी खांसी होगी, खांसी में खून आ सकता है, बुखार हो सकता है, वजन कम हो सकता है, तो ऐसा सिम्टम्स से आप नहीं बता सकते कि ये कैंसर है या ये टीबी है। तो कई बार वो गांठ टीबी समझ के ट्रीट हो रही होती है। तो अगर टीबी का ट्रीटमेंट चला है और वो दो तीन हफ्ते महीने भर में नहीं कोई रिजल्ट आ रहा, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ओके, ऑलराइट। व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर लंग कैंसर? दैट विल डिपेंड ऑन की स्टेज क्या है। तो अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ है तो द बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल इज सर्जरी, उस गांठ को निकाल दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन वो कितनी बड़ी है, डिपेंडिंग ऑन वो लंग में ही है या किसी एयरवे के पार्ट के पास में है। जिन पेशेंट्स की सर्जरी नहीं हो सकती है, या तो गांठ बड़ी है, या फिर वो सर्जिकली अनफिट है, या उनकी एज ज़्यादा है, या उनकी लंग्स का फंक्शन इतना अच्छा नहीं है कि सर्जरी हो सकती है, तो उन पेशेंट्स को हम रेडिएशन और रेडिएशन के साथ में कीमोथेरेपी ऑफर करते हैं। मैम, जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं सामने ट्यूबरकुलोसिस को लेकर और लंग कैंसर को लेकर, अभी हम लंग कैंसर की बात कर रहे हैं, सो इन पास्ट फ्यू ईयर्स ऐसे कुछ रिसर्च और एडवांसमेंट्स आई हैं ट्रीटमेंट में लंग कैंसर को लेकर? सो डेफिनेटली लंग कैंसर में काफ़ी एडवांसमेंट्स हुए हैं, स्पेशली कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस हैं जो हम लंग कैंसर को डायग्नोज करने के लिए बायोप्सी करते हैं, उस टिश्यू के ऊपर कुछ टेस्ट करे जाते हैं, उन टेस्ट से हमें पता चलता है कि कोई स्पेसिफिक म्यूटेशन यानी कि वो सेल में चेंज जिसकी वजह से कैंसर हुआ, वो म्यूटेशन है या नहीं है। अगर वो म्यूटेशन होती है तो हम उस म्यूटेशन को टारगेट करने के लिए स्पेसिफिक तरह की ड्रग्स या टैबलेट्स दे सकते हैं ओरल फॉर्म में। उन पेशेंट्स का आउटकम यानी कि रिजल्ट अच्छा होता है एज कम्पेयर टू जिनमें म्यूटेशन नहीं होती है। उनका ट्रीटमेंट टैबलेट्स के फॉर्म में होता है, जबकि बाकी ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी के फॉर्म में होता है, और इसका रिजल्ट ओवरऑल हमें अच्छा मिलता है। सो द एडवांसमेंट इज कि मेटास्टेटिक यानी कि स्टेज फोर के भी कुछ कैंसर्स होते हैं जिनमें म्यूटेशंस होंगे, दे मे लिव अप टू 3 to 5 years, 3 से 5 साल, जो कि आज से पहले नहीं होता। मैम, अगर बात करें कि जैसे हमारे इंडियंस में ना एक प्रॉब्लम मैं ये कहूँगी कि कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी को वो स्टार्टिंग में सीरियसली नहीं लेते हैं, तो जैसा आपने बताया कि खांसते खांसते खून आ गया या फिर थकान हो रही है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही वो अपना होम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और कुछ कुछ खाने लगते हैं, कुछ पीने बनाने लग जाते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि सच में अगर कुछ ऐसे अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स हम देख रहे हैं तो क्या ऐसे कुछ होम ट्रीटमेंट्स हम कर सकते हैं कि हम इससे या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं लंग कैंसर को?
बाय।